स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैथाकॉम और मैथाकॉम आप लोगों का स्वागत करता है। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट की, जो स्कूल के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स, टेक्निकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, सभी के एग्जामिनेशन से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पीडीएफ में, कल दिनांक 9 अप्रैल को हमारे मुख्यमंत्री श्री माननीय अशोक गहलोत ने कुछ अहम निर्णय लिए हैं ताकि विद्यार्थियों की एजुकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़े, तो उन्हीं को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पहला निर्णय स्कूल के बच्चों के लिए लिए हैं कि उनको लिए ये डिसाइड किया गया है कि 10th और 12th के बच्चों को छोड़कर बाकी सारे बच्चे 1 से लेकर 9 तक और 11th के बच्चों को आगे के क्लास में, आगे की क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। यदि उनके एग्जाम हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो भी वो आगे की क्लास में प्रमोट कर दिए जाएंगे। तो ये तो बात हो गई स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड। दूसरी बात है टेक्निकल यूनिवर्सिटी RTU से रिलेटेड। इस पर उन्होंने जोर दिया है कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी के 8th सेमेस्टर के एग्जामिनेशन तो करवाने ही करवाने हैं। अब 8th सेमेस्टर के एग्जामिनेशन कब हो गए? 8th सेमेस्टर के एग्जामिनेशन लॉकडाउन जैसे ही हटता है, लॉकडाउन हटने के बाद सबसे पहला काम 8th सेमेस्टर की एग्जामिनेशन प्राथमिकता से प्राइमरी करवाने ही करवाने हैं। दूसरी बात उन्होंने कही है कि हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन, जिसमें हमारा डिप्लोमा भी आ जाता है, उन बच्चों को ये पॉसिबल है कि 15 अप्रैल से समर वेकेशन पे भेजा जा सकता है, उनकी समर वेकेशन घोषित की जा सकती है। ये भी कंफर्म नहीं, 1 या 2 दिन में उसकी कंफर्म न्यूज़ जैसे ही आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। 15 अप्रैल से समर वेकेशन हो सकता है हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट ये आ रही है, तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि गवर्नमेंट ने एग्जामिनेशन के शेड्यूल और आगामी सत्र, आगामी शैक्षणिक सत्र कैसे चलेगा, उसके लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई है। समिति क्या करेगी कि अभी जो आने वाले एग्जामिनेशन ड्यू चल रहे हैं हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और डिप्लोमा के एजुकेशन से, उनके उनको किस तरह कराया जाए, किस तरह वो एग्जामिनेशन हुए लॉकडाउन हटने के बाद, उन एग्जामिनेशन का क्या टाइम टेबल रहेगा और आने वाले समय में, आने वाले सत्र में किस तरह क्लासेस चलेगी, कब से सेशन स्टार्ट होगा, इसकी सारी जानकारी सरकार को देगी। तो सरकार ने 3 बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय लिए हैं। पहला निर्णय ये है कि 10th और 12th को छोड़कर सारे बच्चों को प्रमोट कर देंगे, और दूसरा निर्णय ये है कि हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन के बच्चों को लिए 15 अप्रैल से क्या घोषित कर देंगे, ग्रीष्म अथवा समर वेकेशन घोषित किया जा सकता है। तीसरा है कि एक कमेटी बनाई है जिसमें हमारे मोहनलाल सुखड़े विश्वविद्यालय के आयुक्त भी हो और काफ़ी बड़े लोग हैं, ये लोग गवर्नमेंट को सुझाव देंगे कि आने वाले समय में लॉकडाउन हटने के बाद किस तरह एग्जामिनेशन कराया जाए और किस तरह उन लोगों का नेक्स्ट सेशन स्टार्ट किया जाए। तो आप लोग चैनल को देख रहे हैं, आप लोगों का धन्यवाद। इसी तरह चैनल को देखते रहिए और ये न्यूज़ सभी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिए ताकि तब सभी को इसका लाभ हो सके और बच्चे कंफ्यूज नहीं हो। एक बच्चा कंफ्यूज था और मेरे पास मैसेज आया कि सर क्या 17 अप्रैल से एग्ज़ाम है, तो वो इस तरह के बच्चे कंफ्यूज नहीं हो, उनकी मदद हो सके। आप लोग चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों का धन्यवाद।